गाइस, मेरा नाम है सौरभ और मेरा नाम है साक्षी और आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब व्लॉग में जिसका नाम है सौरभ एंड साक्षी व्लॉग। और जो लोग हमारा व्लॉग फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। लास्ट व्लॉग में हमने मिडनाइट का जो सेलिब्रेशन किया था वो आपके साथ शेयर किया है और आज एक नया दिन है और आज ही एक्चुअली 2 साल पहले आज ही के दिन बहुत सारी तैयारियाँ हो रही थी शादी की और मतलब बारात निकलने की, इनके यहाँ बारात के स्वागत की और सारी तैयारियाँ हो रही थी। हम लोग सब बहुत एक्साइटेड थे। आज जो है हम लोग अपना सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें प्लान किए हैं, आज शाम को हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल तो आप लोग को एक चीज़ और दिखाना चाहते थे, ये जो लैंड जो हम पिछले 2 दिन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 हमने बनाए थे, एक तो मेरा वाला खराब गए, साक्षी वाला था इसमें हमने काफी मेहनत की है। हाँ मतलब इसको हमने क्या किया कि पूरा लपेट उपेट के ऊन इसके ऊपर अच्छे से फेविकॉल चिपकाया है हर एक जॉइंट पे सब कुछ। अब इसके अंदर का जो बलून है ना इसको बस्ट करना है, ये अंदर बलून है, इसको बस्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत ऊन ये बलून से चिपका हुआ है तो ये हो सकता है थोड़ा सा श्रिंक हो, खैर वो डिसफिगर होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसको सही करने का तरीका है वो डिसफिगर होना हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो होगा ही थोड़ा बहुत, हम लोगों ने कोशिश की है ये, लेकिन ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है पूरा हार्ड हो गया है और बेसिकली लैम्प है तो अब जो है एक हमारा सक्सेस हो गया तो हम और भी बनाएंगे। हाँ अगर ये हाँ हमारे पास बहुत सारा ऐसा हमने ऊन लेके रखा हुआ अलग अलग कलर्स का इसी पर्पस के लिए, तो अगर ये जैसे साक्षी ने बोला अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आगे हम लोग और भी बनाएंगे इस टाइप के और अपने लिविंग रूम में बेडरूम में हर चैनल लगा के देखेंगे कैसा लग रहा है। इसमें लोग लाइट्स वगैरह लगाते हैं बहुत सारी अलग अलग तरह से करते हैं, कुछ लोग अंदर बल्ब लगाते हैं, कुछ लोग बाहर बाहर वो जो छोटी छोटी LED लाइट्स होती हैं वो लगाते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि पहले देखते हैं कैसा होता है। ठीक है तो ठीक है ये पिन है, इससे अब हमें इसको बस्ट करना है। ठीक है करें क्या? ओके तो अब समय इसको तुम करोगी? नहीं नहीं तुम्हारा। चलो ठीक है हम इसको बस करते हैं और देखते हैं क्या होता है आपके सामने। ठीक है बहुत डर लग रहा है दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत की है। ये तो बिल्कुल डिसफिगर ही नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट है। हमने सोचा था कि थोड़ा तो कुछ होगा इसमें बट ये तो बिल्कुल सही निकला यार, बहुत अच्छा है। वाओ तो इसके अंदर का बलून का जो अवशेष है और भी बनाएंगे अब। वाओ यार सीरियसली ये स्टेप बाय स्टेप हम पिछले 2 व्लॉग आप लोग देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा ये बताया है कैसे बनना है और ये सीरियसली कितना अच्छा बनाया। ये हमारा फर्स्ट ट्राई था तो हमारे मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, अब मुझे लगता है कि अब इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगी कि हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है इसके बारे में इसको कैसे बनाना है। और गाइस देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसको अगर हम टांग देंगे कहीं पे भी इसमें लाइट लगा देंगे वाओ कितना सुंदर लगेगा, बहुत ही बेहतरीन ये बन गया है। चलो इसके इसको नजर ना लगे और मतलब हमने सोचा था यहाँ पे हम यहाँ से लाइट डाल लाइट डाल, बट अगर हम इसके अंदर अगर लाइट नहीं डालना चाहते, बल्ब नहीं डालनी ना, नहीं डाल भी सकते हैं बल्ब डालना है या फिर छोटी जो LED होती है किनारे किनारे, हाँ वो भी कर सकते हैं, छोटी वाली बल्ब आती है उससे उसको भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ फिलहाल इसको हम अगर ऐसे भी अगर हमने इसको कहीं टांग दिया ना ऐसे तो वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा, हमें खुशी इसलिए ज्यादा हो रही है हमने इसे बहुत मेहनत की थी। ठीक है तो अब इसको हम टांगेंगे और देखेंगे कि मतलब ये किस तरह से अच्छा लगेगा, तुरंत तो हम लाइट नहीं लगाएंगे इसमें लेकिन बाद में जब लगाएंगे देखना पड़ेगा। हमारा एक अच्छा बन गया तो अब और भी मन कर रहा है बनाने का, क्योंकि लाइट हमें जो इसमें लगानी होगी शायद वो जो सेल वाली होती है वो लगानी पड़ेगी, अदरवाइज हमें स्विच पे अगर बोर्ड में कहाँ लगाएंगे हम, मतलब कितने सारे बोर्ड में लगाते फिरेंगे, वो जो एक वो बैटरी वाली लाइट्स होती है सेल वाली वो लगा देंगे जब इसको जलाना होगा और शाम को पार्टी नहीं तो वाले भी यहाँ पे बोर्ड है यहाँ पे कनेक्ट करके, पर वो हर समय लगाना पड़ेगा ना, तार वार इतने ज्यादा रहेंगे फर्जी में। हाँ वही है सेल, लेकिन वही है चलो ठीक है सेल डाउन होने पे तो चलो ठीक है, मतलब हमेशा ठीक है। तो ये आपने देखा हमारा, जिन लोगों को ये बनाना सीखना है वो हमारे पिछले व्लॉग्स भी देखें, 2 व्लॉग्स में हमने इसको कुछ लोगों ने बनाया भी होगा, हाँ बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा, पर लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया है हम लोग नई नई चीजें ट्राई करते हैं।
A few moments later. Many hours later. Hello guys. तो शाम हो चुकी है और हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं अब बाहर जाने के लिए, बिकॉज जैसे आपको बताया था कि हमने आज के लिए प्लान कर रखा था कि आज हम शाम को बाहर डिनर पे जाएंगे। और आप देख सकते हो मैंने वो सेम स्वेटशर्ट पहना है जो साक्षी ने मुझे कल गिफ्ट किया था, कल रात में, आज रात में गिफ्ट किया था, तो मैंने वही पहना हुआ है सेम। एंड आप ज़रूर मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। और फिर अभी आपको मिलवाते हैं साक्षी से भी, साक्षी अभी रेडी हो रही है। और दिन में हमने कुछ खास नहीं किया, दिन में साक्षी के भैया टीटू भैया और गीतू भाभी आए थे, तो वो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल आइसक्रीम केक लेकर आए थे, क्रीमबल का, बहुत ही टेस्टी था, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था आइसक्रीम केक, काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। तो दिन में वो लोग आए थे, हमने उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, कुछ पिक्स हम डालेंगे जब वो लोग आए थे उसकी। और प्लस अभी हम लोग बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, निकलने से पहले आपको साक्षी से एक बार मिलवाते हैं, हम यहाँ से जल्दी ही निकलते हैं। हेलो, तो फाइनली साक्षी भी रेडी हो चुकी है और अब हम लोग निकलने वाले हैं अपने आज के डिनर के लिए। और थोड़ा सा लेट ही हो गया है, इनफैक्ट हम लोग थोड़ा जल्दी निकलने वाले थे, 7 बज रहे हैं, तो चलिए हम निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, चलिए। तो फाइनली हम लोग आ गए अपने डेस्टिनेशन सेक्टर 29 और सामने ही 21 गन सल्यूट। सॉरी बहुत ज़्यादा वॉइस है तो शायद हमारी आवाज़ ठीक से ना जा रही हो, तो हम उसको रिकॉर्ड करके बाद में डालेंगे। तो दोस्तों हम लोग एंटर हो चुके हैं 21 गन सल्यूट, जो कि बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है सेक्टर 29 गुड़गांव में। आप देख सकते हैं इसका एम्बियंस कितना अच्छा है, बिल्कुल ही रॉयल डाइनिंग, एकदम महल जैसा इन्होंने बना रखा है, मन खुश हो जाता है यहाँ आने के बाद, इतना अच्छा इंटीरियर है यहाँ का, सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं और माशाल्लाह खाना भी बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों अगर आप लोग गुड़गांव में हैं और अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने को और या फिर बहुत ही अच्छा स्पेशल डिनर करने के लिए, तो हम आपको ज़रूर रेकमेंड करेंगे 21 गन सल्यूट रेस्टोरेंट, जो कि खाना भी बहुत ही अच्छा है और अंदर का इंटीरियर भी बहुत ही बेहतरीन है। हाय, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपना जो हमने डिनर डेट प्लान की थी बहुत ही अच्छी थी, हमने एक नया रेस्टोरेंट आज ट्राई किया था 21 गन सल्यूट, ये सेक्टर 29 में था और बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही रॉयल सा था, है ना, अच्छा था।
जी इन्होंने इंटीरियर बना रखा था बिल्कुल ही रॉयल सा बना रखा था, और हमने सोचा तो था बहुत कुछ खाने का लेकिन हमारा पेट भर गया, और आई थिंक हम लोगों ने 3 डिशेज हमने खाई थी, बहुत टेस्टी थी, जो भी था बहुत अच्छा था, हम लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं उस रेस्टोरेंट से, और बहुत ही अच्छी इवनिंग रही हमारी। आपने देखा ही होगा फोटोज और ये सब, हमने थोड़ी बहुत वीडियोज डाली थी। तो फिलहाल मतलब हमारा आज की जो एनिवर्सरी का जो दिन था बहुत ही अच्छा गया, है ना। आज हमने जो जो चीजें प्लान की थी सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हुआ, रिलैक्स किया, मजे किए, अच्छी सी डिनर डेट भी हुई हमारी, ठीक है। तो अब इसी के साथ आज का दिन हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, और बस अब हम चेंज वेंज करके और फिर आज ये दिन यहीं पे खत्म, बहुत लंबा दिन था, और ये व्लॉग भी यहीं पे खत्म करते हैं। तो सबको बोलो बाय 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 बाय, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय। अगर आपको 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 2 मिनट में क्या मैगी बना दूंगी और क्या। अगर आपको सीधा 5 साल के प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 5 साल के लिए मेरे को नहीं बनना है, इतनी मैगी कौन खाएगा भैया।